अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जुमे के दिन का वाकया था और उस दिन मैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क के सफ़र पर था। टेंटन ट्रेन स्टेशन पर जो हुआ मैंने सोचा आप सब के साथ भी ये वाकया शेयर करूं। मैंने देखा स्टेशन पर न्यू जर्सी ट्रांजिट की पुलिस किसी शख्स को तिबी इमदाद दे रही है EMS की टीम के साथ। बाद में मालूम करने से पता चला कि वो शख्स एक होमलेस था जिसको हमारे यहाँ फ़कीर और गदागर भी कहा जाता है। उसकी नकल और हरकत काफ़ी सुस्त हो रही थी तो फौरी तौर पर स्टेशन पुलिस ने EMS से रब्ता करके उसको फौरी तबी इमदाद पहुँचाने और उस शख्स को फौरी तौर पर एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहाँ पर उसका मुफ्त इलाज और मुआलजा किया जा सके जब तक कि वो मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाए। देखने और बताने का मकसद ये था कि यहाँ की हुकूमत अपनी शहरियत रखने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और बिल्कुल ऐसे ही चरिंद और परिंद के साथ भी सुलूक किया जाता है जिसकी वजह से ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहलाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स इनका इंसानी हकूक़ का मियाँ नज़र आता है जब किसी गरीब और दूसरे मुल्क के शहरी और उनके बच्चों का मामला हो जैसे फ़लस्तीन, इराक और अफगानिस्तान। उम्मीद है वीडियो में जो पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई है वो आप सबको पसंद आया होगा। तमाम उम्मत मुस्लिम के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकुम अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।